लेकिन गुआम को लेकर जो धमकी दी है चाइना ने, सीधे आइए चीन की ललकार, अमेरिका को जो है वो सीधे होशियार रहने की बात कही है। गुआम जिस बेस को पहले बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं कर रहे थे बाइडेन, अब वहां पर तेजी से चीजें डेवलप हो रही हैं। क्या मामला है, सीधे आइए गोप्रो ग्राफिक्स पर। गुआम सुरक्षित है या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि वॉशिंगटन क्या चाहता है। नंबर वन, गुआम सहित यूएस के सभी सैन्य बेस पीएलए की रेंज में है। गुआम पर्ल हार्बर नहीं है, चीन भी जापान नहीं है, यह कहा है। ताइवान पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है। नेक्स्ट चेंज करें, गुआम जिसमें है अमेरिका की जान, चीन से गुआम करीब करीब 4,500 किलोमीटर की दूरी पर, अमेरिका से गुआम 12,000 किलोमीटर, चीन ये नीचे देखें आप डिस्टेंसेस। वेल डन, हमारी ग्राफिक्स टीम ने बड़ा खूबसूरत यहां पर ग्राफिक्स बनाया आपके लिए, थैंक्स पुरुषोत्तम जी। चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच समंदर में एक छोटा सा। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। टापू है गुआम, 1,63,000 की आबादी वाले इस द्वीप का एक चौथाई हिस्सा फौज के हवाले है। अमेरिका से कहीं ज्यादा विध्वंसक हथियार पेंटागन ने गुआम में रखे हैं। गुआम में अमेरिका के 3 मिलिट्री बेस हैं, जहां B-2 जैसे न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात हैं। गुआम के तटों पर खुफिया सैन्य अड्डों में न्यूक्लियर अटैक के लिए सबमरीन तैनात है। गुआम के दक्षिण में पहाड़ी के नीचे अमेरिकी हथियारों का जखीरा रखा हुआ है। यूएस के इसी खजाने को ध्वस्त करने के लिए चीन की मिसाइलों का रेडार गुआम पर सेट है। गुआम की वजह से ही यूएस की पहुंच साउथ चाइना सी और कोरिया और ताइवान तक है। गुआम से ही साउथ चाइना सी में चीन के विस्तारवाद को अमेरिका चैलेंज दे पा रहा है। जंग जीतने के लिए चीन का गुआम को तबाह करना और अमेरिका को इसे बचाना जरूरी है। इस सब के बीच में बहुत बड़ी खबर, चीन से सैन्य तैनातनी के बीच ताइवान का बड़ा फैसला। ब्रेक करें, 2023 के लिए ताइवान ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया। ताइवान विजुअल्स के साथ, ताइवानी रक्षा बजट करीब 15% बढ़ाने का प्रस्ताव। फाइटर जेट्स पर एक्स्ट्रा $108.3 अरब खर्च करेगा ताइवान। सीधे आइए बिग वॉल पर, इसके बाद हमारे खास मेहमानों के पास मैं चलूंगा। सीधे आइए, ताइवान अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है, क्या इंफॉर्मेशन है, सीधे देखिए, प्ले ऑन करें। ये यहां पर चीन से टेंशन के बीच ताइवान महायुद्ध की तैयारी में लगा। नंबर वन, चेंज करें, 2023 के लिए ताइवान ने अपने रक्षा बजट में 14 करीब करीब 15% की बढ़ोतरी कर दी है। नेक्स्ट, फाइटर जेट्स पर एक्स्ट्रा $108.3 बिलियन खर्च करेगा ताइवान। यह भी इंफॉर्मेशन है, ताइवान अगर दूसरा स्पेशल फंड इसमें जोड़ता है तो कुल बजट हो जाता है, यहां पर देखें, करीब $586 बिलियन। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।